हमेशा काम ऐसा करो कि लोग मर जाना पसंद करें पर आपसे काम करवाना नहीं। अगर आप अपनी तारीफ सुन के खुश होने के बजाय शक में पड़ जाती है तो यकीन माने आपको अकल आ चुकी है। एक खातून शादी से वापस आकर मुंह धोने लगी तो पानी ने बार बार पूछा, आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट योर सेटिंग्स? आज तो हद हो गई, मुझे देख कर लड़का गुनगुनाने लगा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। और मैंने सैंडल उतारी और कहा, एक बार आजा 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 आजा। जब कोई अचानक से अच्छी बातें करने लग जाए तो समझ लो कि वो कहीं से लिपकर खा के आया है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ये कहते कहते बेड़ा गर्क हो गया है जिंदगी का। मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, बस जुबान का कोई भरोसा नहीं। उसने सुबह से एक मैसेज नहीं किया, मैंने भी 15 मिनट का खाली वॉइस मैसेज उसे भेज दिया। अब 15 मिनट तो सुनेगा वो, पता नहीं कब बोलेगी। इंजी तो फिर इंजी से। लोग कहते हैं अब दुनिया में अच्छे लोग नहीं मिलते, अरे मुझसे मिलो और अपनी गलतफहमी दूर करो। फासला रखें जनाब, आज 4 सेल्फी अच्छी आई है, मैं नखरे में हूँ। समझदार लोग बहस नहीं करते, बस तीली लगा के साइड पे हो जाते हैं। जब जब मुझे लगा मैं मैच्योर हो गई, तब ही मेरी पसंद के कार्टून लग जाते हैं। ना कहा करो पतले लोगों को कि कुछ खाया पिया करो, अरे भाई तुमसे ज्यादा ढूंढते हैं ये। जान जाती थी जिसके जाने से, उसको मैंने खुद ब्लॉक करके रखा है। मेहमान बेटा अब क्या करोगी? मैं निम को उठाऊंगी क्योंकि बिस्किट तो आपने छोड़ा नहीं। हमेशा इतने खुश नजर आओ कि छोड़कर जाने वाला भी सोचे कि इसकी कहीं और सेटिंग हो गई है। इंशाल्लाह कल दलिया बनाऊंगी उन मरीजों के लिए जो इनबॉक्स में हाय हाय करते हैं। जो मतलब बच्चों का सीरियल खाने में है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। अच्छा भाई वो है जो अपनी बहन को हंसाने के लिए गंदे गंदे मुंह बनाए। मुझे लगता है मेरे शोहर की आधी जिंदगी, गुस्सा नहीं करो प्लीज, कहने में ही गुजर जाएगी। दिल ही उठ गया है हर चीज से, सिवाय खाने पीने सोने और मोबाइल से। 10 दिन हो गए हैं तावीज लाए हुए, महबूब कदमों में क्या इनबॉक्स में भी नहीं आया। और मैं उन लड़कियों में से हूँ जिन्हें मेकअप की आधी से ज्यादा चीजों के नाम भी नहीं मालूम। जहाँ सच काम ना आए वहाँ स्क्रीन शॉट दिखा दो। हर बीमारी के लिए हमारा कौमी इलाज, सो जाओ थोड़ी देर। और क्या बता कि अल्लाह का तुम्हारा सब्र इस कदर पसंद आ जाए कि चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। मौत आ जाए गाली, लेकिन अम्मी से डांट खाते हुए हंसी न आए, वरना एक और ठुक जानी। सास तो इज्जत करने वाली होनी चाहिए, बेइज्जती तो रोज अम्मी भी टका के करती है। आपको अपना फैन बनाना चाहती हूँ, यानी छत से लटकाना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है सारे दुख आपको ही मिलते हैं? अरे कोई उनका भी तो सोचे जिनकी सालगिरह 29 फरवरी को होती है। मैं दिल है कि मानता ही नहीं, दिल तुम मेरी सुनती हो तो मैं तुम्हारी मानू। कहते हैं जिससे मोहब्बत हो जाए आंखें बंद करने से नजर आता है, मैंने आंखें बंद की मुझे नींद आ गई, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। मेरे ख्याल से सर्दियाँ जाते जाते औरतों की तरह दरवाजे में खड़ी होकर बातें करने लगी है। अपनी गैलरी का विजिट कर लूं तो खुद पे क्रश आ जाता है यार। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि दिमाग होने के बावजूद ख्याल दिल में क्यों आता है? मुझे किसी की वफा की जरूरत नहीं, मेरे लिए मेरा वाईफाई ही काफी है। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि सोहबत का असर पड़ता है, मैं तो अब सब में रहकर भी मासूम हूं। काश तो मुझे यूं मिल जाए जैसे बात बात पे ताने मिलते हैं। मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, फिर मैं खुद ही छोटी रह गई तो प्लान कैंसिल। मैं खुदकुशी इसलिए नहीं करती, मर गई तो फरिश्तों ने बहुत मारना है, अगर बच गई तो घर वालों ने बहुत मारना है। अगर मैं बीमार होती हूँ तो साथ में मुंह पर 12 बजाए रखना पड़ता है सारा दिन, वरना किसी को यकीन ही नहीं आता कि मैं बीमार हूँ, हद हो गई। वो कहते हैं बातों को तुम्हारे हम भुला ना सके, हमने कहा भुलाना भी मत, हमने स्क्रीन शॉट ले रखे है। सुना है अच्छे लोग दुनिया से जल्दी चले जाते हैं, मुझे तो अपने बारे में टेंशन होने लगी है। तकरीब में जब कोई छोटा बच्चा मेरी तरफ देखे तब मैं घर वाले मुझसे किसी हाल में खुश नहीं होते, रात को कहते हैं सोती क्यों नहीं, सुबह कहते हैं उड़ती क्यों नहीं। शुक्र है हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, वरना मेरा तो हासा निकल जाना था। हम लड़कियों को मनाना आसान काम थोड़ी ना होता, कई बार हमें खुद पता नहीं होता हमारा मूड किस बात पे ऑफ है। एक तो लोगों के ब्रेकअप स्टेटस देखने का अलग ही मजा है, जब सारा दिन काम करने के बाद भी अम्मी मुझे कहे तुमने सारा दिन किया ही क्या है, मैं
कहां से लाऊं रोज नई नई पोस्ट। छोटा सा दिमाग है और उसमें भी आजकल शादी के ख्याल आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, न्यू आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।